दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी लाइफ का गोल क्या है और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ का गोल यानी कि जीवन का लक्ष्य और लाइफ का पर्पस यानी कि जीवन का उद्देश्य सुनने में दोनों एक ही तरह का लगता है ना, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। इसके बारे में थोड़ी गहराई से सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए ये आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम गोल के बारे में बात करेंगे। क्या हमारी जिंदगी में गोल होनी चाहिए? अगर हम गोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? पैसा, जॉब, बिजनेस या फिर कोई भी चीज जो कि हम अपना जीवन में एक समय में हासिल करना चाहते हैं, है ना? एक बार इसे हम हासिल कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ये गोल अचीव हो गया, और फिर हम दूसरे गोल को पकड़ लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और मान लो कि आप अपने क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि ये आपकी लाइफ का एक गोल है। अगर हम जॉब का एग्जाम्पल लें तो मान लो कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर एक डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये भी आपकी लाइफ का एक गोल हो सकता है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान करते हो, फिर उस प्लान पर काम करते हो पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ। अगर आप अपने क्लास में फर्स्ट आ गए या फिर एक आईएएस ऑफिसर बन गए या फिर डॉक्टर बन गए, तो हम कहते हैं कि आपका ये गोल अचीव हो गया। फिर आप अपने नेक्स्ट गोल पर काम करना शुरू कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि क्या हमारी जिंदगी में गोल होनी चाहिए? हाँ भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि गोल आपकी लाइफ को ना एक डायरेक्शन देती है। आपके जीवन में बिल्कुल क्लियर गोल होनी चाहिए जो कि आपको लगता है कि आप उसे अचीव कर सकते हो। गोल हमारे जीवन में एक डेस्टिनेशन की तरह है। एक बार हम वहां पहुंच गए, बस वो गोल खत्म। अब हम आते हैं पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का उद्देश्य। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या अपने क्लास में फर्स्ट आना आपकी लाइफ का पर्पस है? क्या एक डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या फिर एक आईएएस ऑफिसर बनना आपकी लाइफ का पर्पस है? नहीं दोस्त, यह आपकी लाइफ का गोल हो सकता है, लेकिन यह आपकी लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। लाइफ में गोल को पूरी तरह से अचीव किया जा सकता है, लेकिन पर्पस को पूरी तरह से अचीव कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं इसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। आप अपने क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, ये आपकी लाइफ का गोल है, लेकिन अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो क्या ये आपकी लाइफ का गोल हो सकता है? क्या ये पूरी तरह से कभी अचीव किया जा सकता है? अच्छा स्टूडेंट मतलब क्या? पूरे मन और पूरी लगन से पढ़ाई करना, कुछ सीखना, क्या ये कभी खत्म हो सकता है? आपकी स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हो, सीख सकते हो, क्या इसकी कोई सीमा है, इसका कोई अंत है? इसी तरह एक आईएएस ऑफिसर बनना या फिर एक डॉक्टर बनना आपकी लाइफ का गोल हो सकता है, लेकिन एक अच्छा ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना या फिर एक अच्छा डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना, क्या ये कभी अचीव हो सकता है? क्या इसका कोई अंत है? नहीं, ये सब लाइफ का पर्पस हो सकता है, गोल नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट बनना, एक अच्छा ऑफिसर या फिर डॉक्टर बनना, एक अच्छा इंसान बनना, सबसे प्यार करना, दूसरों की मदद करना, ये सब आपकी लाइफ का पर्पस हो सकता है जो कि पूरी तरह से कभी अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि आप जितना भी अच्छा कर लो उससे और अच्छा करने की हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लाइफ का पर्पस यानी कि जीवन का उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जीवन में अगर उद्देश्य नहीं तो जीवन नहीं। आपके गोल से आपको एक कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, लेकिन पर्पस से जीवन में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन लाइफ का पर्पस हमें कैसे पता चलेगा? इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है सेल्फ इंक्वायरी, जो कि आप कर सकते हो अपने आप से सवाल पूछकर। पूछो अपने आप से ये सवाल
कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। आप अपने आप से जितना सवाल पूछोगे, आपको अपनी लाइफ का पर्पस उतना ही क्लियर होता चला जाएगा, और आपकी लाइफ का पर्पस जितना क्लियर होगा उतनी अच्छी होगी आपकी जिंदगी, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, गोल अगर आपकी लाइफ का डेस्टिनेशन है तो पर्पस आपकी लाइफ की जर्नी है, और लाइफ की जर्नी कभी खत्म नहीं होती, ये मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि आप कौन हो, जीवन की इस यात्रा की जिसे हम पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, इसकी यात्रा तो अनंत है जो कि कभी खत्म नहीं होती, और इसे जानना, इसे समझना भी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है। गोल अचीव करने से आपको एक अच्छी लाइफ मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई पर्पस ना हो तो ये खुशी, शांति या फिर अच्छी जिंदगी कुछ समय के लिए ही टिकती है, क्योंकि पर्पस आपकी लाइफ में जान डाल देती है, जिससे आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, एक अच्छी जिंदगी मिलती है हमेशा हमेशा के लिए। जिंदगी में हम अनरियलिस्टिक गोल सेट करके अपने लाइफ के पर्पस को ही भूल जाते हैं, और फिर पूरे जीवन हम भागते रहते हैं चीजों के पीछे, पैसा, पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, और फिर जीवन भर हमें पता नहीं चलता, या फिर हम भूल ही जाते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस भी होता है। आप अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हो, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आज तक आपने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया, और आपने जो भी अचीव किया, क्या उससे आपको खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, आपका मन हमेशा शांत रहता है। अगर नहीं, तो समझ जाओ कि आपकी लाइफ में गोल तो है, लेकिन आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, अगर हो सके तो इसकी गहराई को समझने की कोशिश करना। कोई भी चीज को पाकर आपको कुछ पल के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन उसी चीजों को छोड़कर आपको जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल सकती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन में टेम्पररी प्लेजर चाहिए या फिर परमानेंट पीस ऑफ माइंड। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में गोल जरूर सेट करो, और उस गोल को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो, लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, आपको ये पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आप वो हासिल क्यों करना चाहते हो, क्योंकि यही देगी आपकी लाइफ को एक पर्पस। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।